Hey there, Pisces, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. ये आपके एंड ऑफ जून की रीडिंग है. करंटली आपके साथ क्या चल रहा है रिगार्डिंग योर लव लाइफ. इसमें अगर ये वैसे तो लव लाइफ के हवाले से है, बट इसमें मुझे कोई मैसेज मिलता है जनरल मैसेज तो वो भी मैं आपको दूंगी. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ आपसे रेजोनेट करती हैं तो आप अपने इसको सोशल मीडिया अकाउंट्स में जितने भी हैं आपके उनमें शेयर करें. ये आपकी तरफ से हेल्प होगी मेरे लिए. देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए. पाइसेस फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट टू कार्ड जो है वो आपके पास है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टू ऑफ पेंटिकल्स. एक और कार्ड लेते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स. अंडरनीथ आपके पास है फोर ऑफ वांड. सो पाइसेस, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक बहुत आपकी लाइफ चेंज हो रही है और आप जो है उस चेंज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और आप जगल करें कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आप जो है अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं और एक साइकिल एंड करना चाहते हैं आप. हो सकता है ये पेनफुल साइकिल अपनी लाइफ से आप एंड करना चाहते हो और ये कार्मिक साइकिल था जो के एंड हो रहा है. अब आगे आपकी लाइफ जो है एक स्टेबिलिटी पे जा रही है. जैसे कि मैंने कहा कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और ये जो पेनफुल सिचुएशन थी वो एंड हो रही है, कार्मिक सिचुएशन एंड हो रही है और एक स्टेबल लाइफ जो है वो स्टार्ट होने जा रही है. और लेकिन आप जगल कर रहे हैं इस पर, एक स्टेबिलिटी आपके आगे आ रही है बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. आपको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है आपके लिए, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो है और हो सकता है आपको कोई न्यूज़ मिले किसी हवाले से, कोई फाइनेंशियल गेन की न्यूज़ हो सकती है, कोई जॉब ऑफर हो सकती है और आप जगल कर रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है और कुछ चीज़ें बदल रही हैं या बदल गई हैं. आप उनको जगल कर रहे हैं कि आपको चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. और लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक ऑफ़र हो रही है बट आपको लगता है कि ये एक आपको लगता है कि ये ऑफ़र स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी है या फिर कुछ ऐसा बदल रहा है आपकी लाइफ में जो कि आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. लेट्स सी के यहाँ पे ये टू ऑफ पेंटिकल्स क्या है फॉर पाइसेस. व्हाट इज दिस टू ऑफ पेंटिकल्स? सिक्स ऑफ कप्स में भी आप किसी पास्ट पर्सन के हवाले से और नई लाइफ न्यू ऑफर के हवाले से जगल कर रहे हो और आप अपने आप को बिल्कुल अलूफ कर लिया हो आपने. हो सकता है कुछ पास मेमोरीज़ आपकी लाइफ माइंड में ज़्यादा आ रही हो या फिर कोई पास्ट पर्सन हो जो कि आपकी जिसके लिए आप शशोपंज में मुब्तला हो, जिसके साथ आपने चाइल्डहुड जो है गुजारा हो, कोई विरगो हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन उसकी लाइफ में कोई ऐसा चेंज आ रहा है जो कि आपके लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है. थिंग्स आर हो सकता है कोई फाइटिंग सिचुएशन चल रही हो और उसके लिए आपको कोई डिसीजन लेना है. कोई कुछ लोग हैं जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जो कि आपको कुछ ऐसी बातें करते हैं आपके लिए जिससे आपका होमली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है
और आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बट आपके पास एक चीज़ है, एक ऑफ़र है जिसको आपको अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो भी आपको लगता है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बट हो सकता है यहाँ पे कोई ट्रैवलिंग की सिचुएशन हो। व्हाई दिस नाइन ऑफ सोर्ड्स? डेफिनेटली कोई न्यूज़ है, आप किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, कुछ कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में या किसी पर्सन के साथ, और हो सकते मैसेज आपको आए किसी की तरफ से अमेंडमेंट का कि वो अब दोबारा से इस रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहते हैं, बट ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा एंजाइटी की सिचुएशन है। कुछ जो है जो चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, आप जकल करें, बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आया और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, बट आपको आपके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस चेंज को एक्सेप्ट करना। हो सकता है आप बहुत से लोग इन्वॉल्व हों इस सिचुएशन में, उनको आपको पीछे छोड़ना हो या उनकी वजह से आपको ये चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, अच्छे के लिए आ रहा है, बुरे के लिए आ रहा है। देखते हैं कि क्या आउटकम निकलता है इसका, आप क्या कैसा महसूस करेंगे इन द एंड अगर आप इसको कर लेते हैं आफ्टर दिस सिचुएशन। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अंडरनीथ में आपके पास जो है वो एस ऑफ पेंटिकल है, तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत है आपकी लाइफ में, किसी और की लाइफ में या आपकी लाइफ में है। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो एक नए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बिगनिंग हो सकती है, स्टेबल, और बहुत ज़्यादा पैशन भी उसमें हो सकता है कुछ, अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो। आप इसको करें एक्सेप्ट, और जितना भी ये मुश्किल होगा, जितना भी ये मुश्किल दौर होगा, वो भी जो है वो निकल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ऑफ़र आपके लिए बहुत अच्छी है और इसको एक्सेप्ट करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल लाइफ अहेड है। सो पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।